हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये पर्व आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर दे। और आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि जो रंग है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रंग जो होते हैं ना, वो हमारे जीवन में उत्साह को भरते हैं, हमारे जीवन में कुछ जो है वो बेहतर करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। इसलिए कभी आप गौर करना कि हम सब लोग किसी ना किसी रंग को हम पसंद करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि कलर्स से आपके व्यवहार का भी अंदाज़ा लगता है। पार्शली हम बोल सकते हैं कि ये ठीक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता है। खैर, हमारी होली पिछली दो बार से जो है वो कोरोना जो है वो हमको होली के पर्व पर घरों के अंदर बैठा दिया है। यानी लास्ट जो होली थी वो भी लगभग कोरोना के ही साये में थी, और इस बार तो जो है कई जगह पर लॉकडाउन भी लगा हुआ है। एक्चुअली जिस तरह का संकट पूरी ह्यूमन रेस जो है वो पिछले एक साल से झेल रही है, वो एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी मेमोरी है जिसको कभी हम इरेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है वो सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ टेक्नोलॉजिकल हमने बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन तब भी हमें घरों के अंदर एक वायरस ने बंद कर दिया हमको, और उसने जो है हमको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा कद कितना छोटा है। आज देश को सबसे अधिक आवश्यकता है बेहतर डॉक्टर्स की, बेहतर साइंटिस्ट की, मतलब जो ऐसे जो लोग जो इस तरह के भविष्य के, देखो ये अभी ख़त्म नहीं, ये आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा, तो भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए और ऐसे हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए हमको जो है वो वैसे लोगों की आवश्यकता है जो इस वायरस से लड़ सकें और हमारे लिए कुछ उपाय को ढूंढ सकें, जिसे वैक्सीन साइड के। अब वैक्सीन में भी देखिए आपकी कितनी सारी कंपनीज ने जो है काम किया उसमें, और फाइनली जो वैक्सीन बना होगा बनाने के लिए कोई ना कोई साइंटिस्ट तो इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी अपना प्रयास करते हैं ना, तो हम हमेशा एक काम करते हैं, हम बहुत छोटा सा लक्ष्य हम दिमाग में रखते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा एग्ज़ाम ये निकल जाए, हम ये वाला काम कर लें, ये वाला करियर हमारा हो जाए, ये मत सोचा कीजिए। सोचा कीजिए बड़े पर्दे पर कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी हमको कोई काम यदि करना है तो वो काम हमको जो है कहाँ तक पहुँचा सकता है और उस काम से कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ये सोचिए, हमेशा पिक्चर का जो है फ्रेम है वो बड़ा रखिए आपके। कोई ऐसा है जो फ्रेम के अंदर आने की लगातार कोशिश कर रहा है? हाँ, तुम नहीं दोगे होली की बधाई? सबको हैप्पी होली तो बोल दो। अरे ठीक से बोलो हैप्पी होली, खड़े होके बोलो कि सारे कमांडोज को हैप्पी होली, बोलो ये है बॉस बेबी, है ना, बोलो ना सबको हैप्पी होली। अरे ऐसे तो खूब बात करते हो हमसे, है ना। तो तमाम ज्ञान के बीच में जो है वो हमारे बॉस बेबी आ चुके हैं। और देखो, आज मैं ऑफिस आया था, मैंने सोचा चलो आपका होली का मैसेज भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि होली के दिन समटाइम जो है वो, उसे हमने सुना है कि हमारे एरिया में शायद से लोग जो है वो मिसयूज़ ना करें चीज़ों का, पंप का, इसका तो पावर कुछ समय के लिए पावर भी जा सकता है, तो इसलिए मैंने पहले से एडवांस में मैसेज को रिकॉर्ड कर दिया कि होली के दिन भी मैं आपको विश करूँगा, चिंता मत कीजिए उस चीज़ की। लेकिन मुद्दा ये है कि हमको ये सोचना है कि ये अगली होली जो है वो मेडिकल कॉलेज वाली होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज वाली होना चाहिए। मतलब ये है कि हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं ना, उसके परिणाम दिखना चाहिए। सफलता के बेटा अपने रंग होते हैं, सफलता के अपने रंग होते हैं, सक्सेस का अपना एक कलर होता है, वो चेहरे पर दिखाई पड़ता है, आपके घर वालों के चेहरे पर दिखाई देगा, आपके चेहरे पर दिखाई देगा। गालिब के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने पहले भी ये बताया हुआ कि जो है गालिब बड़े शायर हैं, तो गालिब जो है वो एक समय जो शायरी लिखा करते थे ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे वो, फिर कुछ समय के बाद में उनको जो रिकॉग्नाइज कर लिया गया, उनकी शायरी बड़ी पॉपुलर होने लगी, तो उनके कोई पुराने मित्र मिले गालिब को, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हाल चाल है मियाँ गालिब तुम्हारे, तो गालिब ने दो लाइनें बोली। अब गालिब तो है एक ज़माने में वो केवल शायरी में ही बात करते थे, तो उन्होंने दो लाइनें बोली, उन्होंने कहा मत पूछ कि हाल क्या है मेरा, मत पूछ कि हाल क्या है मेरा, ये देख तेरे चेहरे के सामने मेरे चेहरे का रंग क्या है, बस ये देख कि तेरे चेहरे के सामने मेरे चेहरे का रंग क्या है। कहने का मतलब ये है कि सक्सेस का अपना एक रंग होता है, अपना एक कलर होता है। सक्सेस जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, सक्सेस रिफ्लेक्ट होती, चेहरे पर दिखाई पड़ती है वो, और इसीलिए हमें हमेशा जो है वो मेहनत करना है। इस बात के लिए मेहनत नहीं करना है कि हमें कुछ ये छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे टारगेट हमारे होते हैं कि भाई हमें नीट निकालना है, फिर मैं कॉलेज में पहुँच जाऊँगा, फिर मैं पढ़ाई करूँगा कुछ पैसे, नहीं, वो जो मॉनिटरी गेंस है वो तो ऐसा है जिसको हम ऐसा बोलेंगे बाई प्रोडक्ट है। याद रखिए, जिंदगी में सह उत्पाद को कभी मुख्य उत्पाद मत बनाइए, बाई प्रोडक्ट को हमेशा बाई प्रोडक्ट रहने दीजिए,
सह उत्पाद ही रहेगा। मेन प्रोडक्ट है आपकी काबिलियत, मेन प्रोडक्ट है वो है आपके इंटेंशन, मेन प्रोडक्ट है कि आपने क्या परिवर्तन सोसाइटी के अंदर सोचे हैं और क्या आप कर रहे हैं, वो मुख्य उत्पाद है। तो होली के दिन मैं बहुत सारा ज्ञान आपको नहीं दूंगा, पर इतना ही बोलूंगा आपसे, मैं कुछ रंग अपनी जिंदगी में भरते ना हम, कुछ रंग जो पुराने स्याह पन्ने हैं उनको फाड़ के फेंक देते हैं और नए सिरे से सोचते हैं इस बारे में कि क्या हम कर सकते हैं, क्या मुझे खाली मेरी जो तस्वीर है वो खाली है, उसमें मैं कितने रंग भर सकता हूं, कितना मैं बेहतर कर सकता हूं, तो ही सच्ची होली है। समझ रहे हैं बात को, कि तभी हम इसको, तो मतलब अभी एक प्रण लेते हैं हम कि अगली होली मेडिकल कॉलेज वाली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और सफल बनिए। ऑल द बेस्ट।